प्रधानमंत्री जी ने मेरे को जेल भेज दिया था, आप लोगों की बहुत याद आती थी, बहुत मिस करता था मैं आप लोगों को। आप में से किस किस को मेरी याद आती थी? पक्की बात, झूठ तो नहीं बोल रहे? देखो बजरंगबली का कमाल हो गया, आपको मैं आपको मिस करता था, आप मेरे को मिस करते थे, ऊपर वाले ने सुन ली, मेरे को आपके बीच में भेज दिया। मेरे को पता चला दिल्ली की और देश की करोड़ों करोड़ों महिलाओं ने मेरी रिहाई के लिए खूब पूजा पाठ किया, करा था कि नहीं करा था? यहाँ इतनी माँ बहन, कईयों ने माँओं ने माताओं ने खूब पूजा पाठ करा, और ये आपके पूजा पाठ का कमाल है कि आज मैं आपके बीच में आ गया प्रचार करने के लिए। एक दिन अचानक मैं अपने जेल के सेल में बैठा हुआ था, वहां पे हर सेल में ना टीवी होता है, मैं टीवी देख रहा था और देखा कि पता चला सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी, मेरे को तो यकीन ही नहीं हुआ, कमाल ही हो गया, चमत्कार हो गया। तो मैं तो बजरंग बली का बहुत बड़ा भक्त हूँ, बजरंग बली के आशीर्वाद से आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ। 21 दिन की मोहलत दी है कि 21 दिन चुनाव प्रचार कराओ, मैं भी परसों कहीं चुनाव प्रचार करने गया, एक माँ जी मिली, बोली बेटा ये बीजेपी की ऐसी तैसी करने के लिए भगवान ने तेरे को 21 दिन के लिए भेजा है, सही है कि नहीं है? मैं एक छोटा सा आदमी हूं, मेरी छोटी सी पार्टी है, दिल्ली में पंजाब में दो राज्यों में हमारी सरकार है। मैं मन में सोच रहा था प्रधानमंत्री जी ने मेरे को जेल क्यों भेजा, वो तो इतने बड़े आदमी है, इतने पावरफुल शक्तिशाली आदमी है, मेरा क्या कसूर है? मैं सोच रहा था मेरा कसूर है, मैंने आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर दिया, अच्छे स्कूल बनवा दिए, ये मेरा कसूर है। वो नहीं करते ये काम, वो स्कूल नहीं बनवाते, मैंने स्कूल बनवा दिए, खुद नहीं स्कूल बनाते। केजरीवाल को गिरफ्तार करो, केजरीवाल के स्कूल बंद करो। मैंने कहा जी मैं छोटा सा आदमी हूं, मैंने 500 स्कूल बनाए मान लो दिल्ली में, आप तो इतने बड़े आदमी हो, आप पूरे देश में 50,000 स्कूल बनाओ ना, तब तो आपका बड़प्पन है। आप केजरीवाल को गिरफ्तार करके केजरीवाल के भी स्कूल बंद कर रहे हो, ये तो गलत बात है, ये ठीक नहीं है, स्कूल के ये देश के लिए ठीक नहीं है। मेरा कसूर है, मैंने आप लोगों के लिए दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, सरकारी अस्पताल शानदार बना दिए, आपके लिए दवाइयां फ्री कर दी, आपके लिए इलाज फ्री कर दिया। वो नहीं करते, वो कहते केजरीवाल को गिरफ्तार करो, केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक बंद करो। भाई मैं कहता हूं मैंने 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, आप देश के मालिक हो, आप 5 लाख मोहल्ला क्लिनिक बनाओ ना, जनता आपका जय जयकार करेगी। ये क्या बात हुई केजरीवाल को गिरफ्तार करके केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक बंद करिए, तो गलत बात है, ये देश के लिए अच्छी बात नहीं। और विडंबना देखो, मैंने आपकी दवाइयां फ्री कर दी मोहल्ला क्लिनिक में अस्पतालों में, लेकिन जब मैं जेल में गया 15 दिन तक इन्होंने मेरी दवाइयां बंद कर दी जेल के अंदर। मैं शुगर का मरीज हूं, आवाज नहीं आ रही? हेलो हेलो हेलो, चालू करा दे, हेलो 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 हेलो, आवाज नहीं आ रही? हेलो हेलो हेलो, बगल में है, हेलो हेलो, ना जल्दी ना आया, हेलो थोड़ा पकड़ लीजिए, पकड़िए, हो गया।
काफी लंबा है। हमारी आवाज भारत माता की। मैं जब जेल में गया 15 दिन तक इन्होंने मेरी दवाइयां बंद कर दी। मैं शुगर का मरीज हूं, 20 साल से मेरे को शुगर है और बहुत हाई शुगर रहती है, और 10 साल से रोज मेरे को 4 पेट में इंजेक्शन लगते हैं रोज इंसुलिन के, 52 यूनिट इंसुलिन लेता हूं रोज। जब मैं जेल में गया इन्होंने मेरी इंसुलिन के इंजेक्शन बंद कर दिए। मैं बहुत गिड़गिड़ाया इनके सामने कि मेरी इंसुलिन बंद मत करो, मेरी शुगर 300-350 पार कर गई। ये तो आप लोगों ने बाहर खूब आवाज उठाई, मीडिया ने दिखाया, तब इन्होंने इंसुलिन चालू की। कहते हैं अगर कई दिन तक, डॉक्टर कहते हैं कई दिन तक अगर शुगर हाई रहे तो आदमी की किडनी लिवर खराब हो जाती है। ये मेरे साथ पता नहीं क्या करना चाहते थे। मेरा कसूर यह है कि मैंने दिल्ली की महिलाओं का बस में सफर फ्री कर दिया, टिकट फ्री कर दी। आपने पता नहीं सुना, अभी परसों प्रधानमंत्री जी से आज तक वालों ने इंटरव्यू में पूछा कि प्रधानमंत्री जी केजरीवाल दिल्ली में महिलाओं को फ्री बस देता है। प्रधानमंत्री जी बोले ये फ्री ठीक नहीं है, बसों को फ्री, बस में फ्री ट्रेवल नहीं होना चाहिए। मैंने मन में सोचा इतनी महंगाई है प्रधानमंत्री जी, बड़प्पन तो थप था अगर आप पूरे देश की महिलाओं का बस का सफर फ्री कर देते, है कि नहीं है? आप दिल्ली वालों का भी बंद करना चाहते हो, ये तो ठीक नहीं है। लेकिन चिंता ना करो, आपका केजरीवाल जिंदाबाद है, जब तक केजरीवाल है मैं कुछ नहीं होने दूंगा आपके। आप ये कह रहे हैं 2 तारीख को, अब ये कह रहे हैं 2 तारीख को मेरे को दोबारा जेल जाना है। मेरे को जेल जाना है कि नहीं जाना ये अब आपके हाथ में है। जब आप बटन दबाने जाओगे, अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा, और अगर झाड़ू का बटन दबाओगे तो मैं आपके बीच में रहूंगा, आजाद रहूंगा, मेरे को जेल नहीं जाना पड़ेगा। वोट पड़ेगी जेल का जवाब 25 मई। ये बुरी तरह से हमारे पीछे पड़े हैं, पता नहीं क्या चक्कर है, एक एक करके हमारे सारे नेताओं को जेल में डाल दिया। मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सतिंदर जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, मेरे को जेल में डाल दिया, अब कह रहे हैं आतिशी को भी जेल में डालेंगे, सौरभ भारद्वाज जी को भी जेल में डालेंगे। ये क्या है भाई? अगर तुम दिल्ली में नहीं जीत सकते तो इसका मतलब पकड़ पकड़ के सबको जेल में डालोगे? ये क्या जनतंत्र है? ये तो गलत बात है कि नहीं है? ये तो भाई तुम अच्छे काम करो। मैं आपके बीच में जब भी चुनाव में आता हूँ मैं आपसे वोट मांगता हूँ। मैं आपको कहता हूँ मैंने स्कूल बना दिए इसलिए वोट दो, मैंने अस्पताल बना दिए इसलिए वोट दो, मैंने बिजली फ्री कर दी इसलिए वोट दो, मैंने 24 घंटे बिजली कर दी इसलिए वोट दो, मैंने बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री कर दी इसलिए। मैं लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में नहीं डालता, मैं नेगेटिव राजनीति नहीं करता। 24 घंटे रात दिन बस यही सोचते हैं इसको भी जेल में डाल दूं, इसको भी जेल। मैं अभी जगह जगह घूम के आ रहा हूं, पिछले 7-8 दिन से पंजाब गया, कुरुक्षेत्र गया, लखनऊ गया, भिवंडी गया, बॉम्बे गया, भाई साहब चारों तरफ लोग इतने नाराज हैं महंगाई से, बेरोजगारी से, इतनी महंगाई हो गई। 4 तारीख को इनकी सरकार नहीं बन रही, मेरे से लिखवा लो, बीजेपी की सरकार नहीं बन रही, 4 तारीख को इनकी सरकार नहीं बन रही। और अब इनको भी पता है 220 से कम सीट आ रही है इनकी, और इसी वजह से ये बौखलाए हुए हैं। अजीब अजीब गालियां दे रहे हैं आज का प्रधानमंत्री जी। मैं बॉम्बे गया, वहां पे शरद पवार जी ने मेरे को बताया, बॉम्बे गए प्रधानमंत्री जी, बोले शरद पवार भटकती आत्माएं, ये कोई अच्छी बात है? 84 साल की है वो,
शरद पवार 84 साल के हैं, मोदी जी 74 साल के हैं, अपने से बुजुर्ग की इज्जत तो करनी चाहिए। उद्धव ठाकरे को बोले ये नकली संतान है, ये कहने की बात है, ऐसे कहना चाहिए, ये प्रधानमंत्री जी को शोभा देता है। तो बौखलाए हुए बुरी तरह से रोज, अब कभी मंगलसूत्र, कभी कुछ कभी कुछ। 10 साल देश चलाने के बाद अगर आपको एक भी काम गिनाने के लिए नहीं हो तो ये बड़े दुख की बात है कि आपने 10 साल के अंदर लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी, महंगाई और बेरोजगारी कर दी। दोस्तों, अब 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। दिल्ली वालों की तरफ से मैं तो एक ही मांग करूंगा, उसमें इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी भी होगी। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। हमने शिक्षा अच्छी कर दी, हमने अस्पताल अच्छे कर दिए, अब ये पुलिस वाले आपकी नहीं सुनते, पुलिस को भी ठीक करेंगे। अब करना है कि नहीं करना, होना भी है कि नहीं होना भी है। चारों तरफ चोरी चकारी, कोई नहीं सुनते अब इसको भी। तो इस बार सातों सीट आम आदमी, सॉरी इंडिया गठबंधन की देना, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, 7 सीट जितानी है। और पूरे देश के अंदर 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। यहां से आपके लाडले सही राम पहलवान खड़े हो रहे हैं, भारी बहुमत देके इनको जिताना है, रिकॉर्ड मार्जिन से जिताना है। इस बार केजरीवाल की इज्जत रखनी है, रखोगे कि नहीं रखोगे?